भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप मुकाबले के लिए अपनी टीम का अनाउंस कर दिया और इस टीम में सारे धाकर खिलाड़ी का वापसी हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, श्रेयस अय्यर से लेकर के केएल राहुल तक सभी का वापसी हुआ। वहीं पे हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी कहर पर पाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद जसप्रीत बुमराह द बॉलर कम बैक कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में कौन बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? तो इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस एशिया कप 2023 को जीते, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं अपने चैनल पर बहुत दिनों के बाद वापसी कर रहा हूँ, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट तो जरूरी है दोस्तों, और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इस सीजन एशिया कप का स्टार्ट 30 अगस्त से होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी महीने 30 तारीख से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच 3 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच को आप लाइव प्रसारण हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच पहला मैच खेला जाना है, वहीं दूसरा मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 बजे से ही 31 तारीख को खेला जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम का मुकाबला जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है इस साल 2023 का एशिया कप में, सबसे बड़ा मुकाबला 2 सितंबर 2023 को सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और भारत के बीच। दोस्तों आपको बता दें कि यह मैच 3 बजे से शुरू होगा और इसी मैच के लिए जो टीम इंडिया ने अपना प्लेइंग 11 घोषित किया है वो देख करके आप भी हैरान व परेशान रह जाओगे। भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 के लिए 17 खिलाड़ियों का प्लेलिस्ट जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्लेलिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो है वो है श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आएंगे रोहित शर्मा और उसका साथ देते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं और विश्लेषण करते हैं टीम इंडिया का प्लेलिस्ट और कप्तान वाइस कैप्टन सभी का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले नंबर पर रोहित शर्मा द कप्तान आएंगे, जो कि खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इतने बढ़िया फॉर्म में भी नहीं है। वहीं पर उसका साथ देने के लिए आएंगे शुभमन गिल और तीसरे नंबर पर दोस्तों विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली द रन मशीन से बहुत सारे उम्मीदें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में एशिया कप में विराट कोहली पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा। वहीं पर कमबैक करने वाले श्रेयस अय्यर पर भी सभी का निगाहें रहेंगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे हैं और अपना पुराना फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं पे बात करें दोस्तों पाँचवें नंबर का, तो सूर्य कुमार यादव 5वें नंबर पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव लास्ट T20 में काफ़ी बढ़िया फॉर्म दिखाया था, वहीं अपना फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। और बात करें दोस्तों 6वें नंबर का, तो केएल राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं या फिर ईशान किशन, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कितने दिनों बाद वापसी करते हुए केएल राहुल ही बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एशिया कप का सवाल है, तो इसलिए केएल राहुल ही खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर बात करें दोस्तों तो वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या 7वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे आपको, बैटिंग करते हुए और बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहा है। वहीं बात करें दोस्तों 8वें नंबर का, तो रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बॉलिंग और बैटिंग से पूरे दुनिया में अपना आतंक मचा के रखे हुए हैं। वहीं बात करें दोस्तों 9वें नंबर का, तो 9वें नंबर पर कहीं ना कहीं आपको मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बेहतरीन लेवल बेहतरीन फॉर्म में भी है। दोस्तों बात करें एशिया में उसका रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी द बॉलर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें दोस्तों 10वें नंबर का, तो जसप्रीत बुमराह इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे आपको 10वें नंबर पे। वहीं बात करें दोस्तों 11वें, तो मोहम्मद सिराज या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को खेलना तय है, तो इसलिए मोहम्मद सिराज का ही खेला जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज बेहतरीन लय में और एशिया में सबसे घातक व खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज के रूप में साबित हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि और भी कई खिलाड़ी हैं, जैसे कि शार्दुल ठाकुर हो गए, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा, और स्टेट बैक खिलाड़ी के रूप में संजू सैमसन भी उपलब्ध हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये सब खिलाड़ी में से कौन सा आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप में 2 सितंबर को जो खेला जाना है मुकाबला,
पाकिस्तान और भारत के बीच जो महा मुकाबला खेला जाना है 2 सितंबर 2023 एशिया कप में, उसमें आपके हिसाब से कौन सा प्लेइंग 11 होना चाहिए और प्लेइंग 11 किस रूप में देखना चाहते हैं और कौन कप्तान और कौन वाइस कैप्टन होगा और आपके हिसाब से कौन से वो 3 सुपरफास्ट बॉलर होंगे और कौन से स्पिनर बॉलर होंगे, कौन ऑलराउंडर होगा और कौन बैट्समैन होगा और किस क्रम से आप किसको खिलाएंगे, अपना कीमती राय कमेंट करके जरूर दें। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।